बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम अपनी इस वीडियो में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का दिलचस्प वाकया सुनाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुजीदा पैगंबरों में से एक है। अल्लाह पाक ने आप पर आसमानी किताब तौरात नाजिल फरमाई। आप अल्लाह ताला के नबी और रसूल और अल्लाह ताला के नबी हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के दामाद थे। आपकी शादी का वाकया इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक अरसा तक शाही तरबियत में जिंदगी बसर करते। जवानी के दौर में दाखिल हुए तो नहायत ही ताकतवर और बहादुर जवान निकले। आपको ये मालूम हो गया था कि आप इजरायली है और मिस्री खानदान से आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है। उन्होंने ये भी देखा था कि बनी इसराइल पर सख्त जुल्म हो रहे हैं और वो मिस्र में नहायत ही जिल्लत और गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये देखकर उनका खून खोलने लगता और मौका ब मौका इसराइलियों की हिमायत और नुसरत में वो आगे आ जाते। एक मरतबा आपने देखा कि एक मिस्री एक इसराइली को बिला वजह मार रहा है, घसीट रहा है। इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो फरियाद करने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मिस्री को समझाया मगर वो ना समझा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक घूंसा मारा। मिस्री उस मार को बर्दाश्त न कर सका, उसी वक्त दम तोड़ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो बहुत अफसोस किया क्योंकि उनका इरादा हरगिज कत्ल करने का न था। खैर, अल्लाह ताला ने उनको माफ फरमाया और मगफिरत की बशारत से नवाजा। मिस्रियों को जब ये बात पता चली तो उसी वक्त फिरौन को जाकर सारी बात उन्होंने बता दी। उन्होंने फिरौन को बतलाया कि मिस्री शख्स का कातिल मूसा है। फिरौन ने जब ये सुना तो जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके हाजिर करे। फिरौन ही के खानदान के एक शख्स ने फिरौन का ये हुक्म सुना तो फिरौन जल्लादों से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशवरा दिया। इस वक्त बेहतर यही है कि खुद को मिस्रियों से निजात दिलाइए और किसी ऐसे मकाम की तरफ हिजरत कर जाइए जहाँ उनकी पहुँच न हो सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशवरे को कबूल फरमा लिया और अर्ज़े मदायन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस वाक्य को बड़ी तहसील से बयान किया है। मुख्तलिफ जगहों और बयाबानों से गुजरते हुए मूसा अलैहिस्सलाम बाहर आए तो देखा कि मदीन जाने का रास्ता आपके सामने मौजूद था। उस पर आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने आपको सीधी राह दिखाई। आप अलैहिस्सलाम थके हारे मदीन पहुँचे तो आपको एक कुआं दिखाई दिया। आप अलैहिस्सलाम ने पानी पिया ही था कि आपको दूर से कुत्तों के भोंकने दुम्बों की घंटियों के साथ एक मधुर सा आवाज सुनाई दिया। करीब आने पर आपने देखा कि ये चौपान यानी चरवाहे थे जो अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए कुएं पर आ गए थे, लेकिन थकान की वजह से किसी ने आप अलैहिस्सलाम को सलाम न किया। उन्होंने डोल को फेंका और तीन अफराद ने मिलकर उस डोल को खींचा, यहाँ तक कि उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम पर जरा भी ध्यान न दिया। आप 8 दिन से मुसलसल हालत सफर में थे कि कहीं आपका पीछा करने वाले दुश्मन आपको पकड़ न ले। आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे आराम करने बैठ गए कि इतने में सामने आपको दो लड़कियां दुम्बों के एक बड़े रेवड़ यानी एक बड़ी झुंड के साथ नजर आए जो कि बड़ी जद्दोजहद कर रही थी कि उनके जानवर कुएं के जानिब न जा पाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा तो आगे बढ़कर उन लड़कियों से पूछा, दुम्बों को पानी नहीं पिलाना चाहती? जिस पर लड़कियों ने जवाब दिया कि हम तब तक इन जानवरों को पानी नहीं पिलाएंगे जब तक कुएं पर नामहरम चौपान मौजूद है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में एक सवाल आया कि क्या उनके वालिद नहीं है जो ये काम अंजाम दे सके? मगर उससे पहले कि आप ये सवाल अपने लबों तक ले आते, लड़कियां खुद ही बोल पड़ी। उन लड़कियों ने कहा कि हमारे बाबा अब बूढ़े हो गए हैं, अब वो तो हिम्मत नहीं रखते कि इस काम को अंजाम दे, इसलिए हम ये काम खुद ही करते हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गम हुआ। आपने कुएं पर मौजूद चौपान की जानिब निगाह की और दुम्बों का रेवड़ यानी झुंड लेकर उस तरफ चल दिए। मूसा अलैहिस्सलाम अपने गैरत की वजह से आप अपनी थकान भूल चुके थे। आपने जोश में डोल को नीचे फेंका और अकेले ही डोल को ऊपर खींचकर जानवरों को पानी पिलाकर खूब सहराब किया। लड़कियों को बात समझ में नहीं आ रही थी कि किस तरह उस मेहरबान नौजवान का शुक्रिया अदा करे, लिहाजा वो खुश होकर अपना रेवड़ यानी भेड़ों का झुंड लेकर अपने घर के जानिब रवाना हो गयी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठे और दबे होठों से दुआ की कि या अल्लाह हर वो नेकी मेरी तरफ भेज जिसकी मुझे जरूरत है। जब वो लड़कियां वापस अपने घर पहुंची तो उनके अब्बा उनके इंतजार में थे, अभी बिस्तर से उठे भी न थे
कि उन्हें अपने बेटियों की आने की खबर मिली। लड़कियां खुशी खुशी अपने वालिद के पास गई। हजरत शुएब अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरी प्यारी बेटियों, आज इतनी जल्दी घर कैसे लौट आई हो? लड़कियों ने मुस्कुराकर अपने वालिद को बताया कि एक नेक दिल नौजवान ने हम पर मेहरबानी की, हमसे जानवर लिए और उन्हें पानी पिलाया। उस बूढ़े बाप ने तअज्जुब किया, या अल्लाह, ये नौजवान कौन है जो इस सरजमीन मदीन पर आया है? ये सोचकर उन्होंने अपनी बेटी को हुक्म दिया कि बेटी, उस नौजवान से जाकर कहो कि मेरे बाबा ने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम्हें उस काम की उजरत दे। उनकी लड़की कुएं पर आई। जवान उसी तरह दरख्त यानी पेड़ के नीचे बैठे थे, यानी हजरत मूसा अलैहि सलाम उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। लड़की उनके करीब गई और कहा, मेरे बाबा आपको उजरत देना चाहते हैं। हजरत मूसा अलैहि सलाम उन लड़कियों के घर पहुंचे तो बूढ़े बाप ने बड़ी गर्मजोशी से आपका इस्तकबाल किया और कहा, खुशामदीद खुशामदीद नौजवान। खाने का दस्तरखान पहले ही से बिछाया जा चुका था। मूसा अलैहि सलाम की नजरें अब खाने पर पड़ी तो सोचा कि ये वो दुआ पूरी हुई है जो कि मैंने मांगी थी अल्लाह तबारक व तआला से, कि या अल्लाह, मैं तेरी खैर का मोहताज हूँ। बूढ़े वालिद ने आपसे हाल अहवाल दरियाफ्त किया और पूछा कि कहाँ से आए हो नौजवान, तो आप अलैहि सलाम ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। उन्होंने बड़ी संजीदगी से कहा, डरो मत, तुम यहाँ महफूज हो, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं, अब तुम फिरौन की सल्तनत से बाहर हो। उन लड़कियों के बाप का नाम हजरत शुएब अलैहि सलाम था और आप अल्लाह ताला की बड़ी शान वाले नबी थे। शुएब अलैहि सलाम की बेटी जो अपने वालिद और मूसा अलैहि सलाम के मुलाकात का जरिया बनी थी, उसने अपने बाबा से फरमाया, बाबा जान, ये नौजवान ताकतवर और नेक और ईमानदार है, इसे अपने यहाँ काम पर रख ले कि हमारे कामकाज में मदद करेगा। हजरत शुएब अलैहि सलाम की आंखों में एक चमक आई, लेकिन आपको ताज्जुब हुआ कि आपकी बेटी को कहां से मालूम हुआ कि वो नौजवान ईमानदार और शरीफ है। इसलिए उन्होंने बड़े प्यार से बेटी से पूछा, बेटी, तुमने उसके डोल खींचने से उसकी ताकत का अंदाजा लगाया, मगर उसकी ईमानदारी और शराफत का अंदाजा तुमने कैसे लगाया? बेटी ने बाप को देखते हुए कहा, इस बात से कि उसने हम लड़कियों के साथ मजाक करने की कोशिश नहीं की, ना ही उसने अपने काम के बदले कुछ मांगा और ना ही हमें देखकर उस पर कोई असर हुआ। अपनी बेटी के मुंह से हजरत मूसा अलैहि सलाम की तारीफ सुनकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी हजरत मूसा अलैहि सलाम से कर दी और हजरत मूसा अलैहि सलाम हजरत शुएब अलैहि सलाम के दामाद बन गए और महर में हजरत मूसा अलैहि सलाम ने 8 साल तक उनके लिए काम करना मंजूर फरमाया। हजरत मूसा अलैहि सलाम की बीवी का नाम हजरत सफूरा अलैहि सलाम था। शादी से पहले आप अपने वालिद की खिदमत करती रही और शादी के बाद आपने शौहर की खिदमत की। 10 साल तक हजरत मूसा अलैहि सलाम ने हजरत शुएब अलैहि सलाम की खिदमत फरमाई और 10 साल बाद अपनी बीवी को लेकर वापस अपने वतन की जानिब रवाना हो गए। तो दोस्तों, ये था हजरत मूसा अलैहि सलाम की शादी का दिलचस्प वाकिया। पर दोस्तों, अल्लाह ताला जो करता है इंसान के लिए वो बेहतर होता है। अगर आपके दिल जैसा नहीं हो रहा है तो अल्लाह ताला जो कर रहा है वो बेहतर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल तरीका सुन्नत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ ही में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।